रही नाजरीन अल्लाम जिस मेहमान का इस प्रोग्राम में आपसे तारफ़ कराना है वो बहुत माँ मुझसे खफा रहे हैं और खफी उनकी बड़ी जायज़ थी मैं उनको एक दफ़ा एक प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया एक और प्रोग्राम में तो बिस्कुट खाने लगे तो वो प्लास्टिक के बिस्किट थे और फिर बिजली जाती रही फिर तो बड़ी मुश्किल से हमने इन्हें बुलाया कल शाम को उनके साथ मुलाकात हुई तो वो मान गए कि मैं इंटरव्यू करेंगे लेकिन कहते हैं कि वैसे इंटरव्यू नहीं जैसे पहले तुमने किया था बेहतर इंटरव्यू होना चाहिए मेरे मेहमान एक कॉन्ट्रवर्शल आदमी है इनके बेशुमार मद्दा हैं क्रिटिक्स भी हैं नॉन कन्फॉर्मस ज़िंदगी लिखी हर दौर में इन्होंने शोर मचाया है और जो जब चीज़ें इन्हें पसंद नहीं है उसके बारे में बेबाक गुफ्तू करते हैं दुनिया जहान में इनकी शोहरत है गजल लिखी तो उसमें मकाम हासिल किया पोइम्स लिखी तो ऐसी ऐसी कि जिस पर लोग खफा भी बड़े हुए और जानसार भी बड़े हुए इनकी जो किताबें हैं वो अमा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ के बाद दुनिया जहान में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट हुए हैं शायद शायरों में इतनी ज़्यादा दुनिया नहीं देखी होगी जितनी ने देखी उनने क्या क्या लिखा है उसके बारे में भी जिक्र करता हूँ पहले मैं आपको उनसे मिला दूँ जनाब अहमद फराज साहब थैंक यू सर नाजी जो उनकी किताबें हैं और जो पब्लिकेशनस हैं उनमें शामिल हैं तनह तनहा, तनहा। दरद आशूब नायाफ्त शब खून मेरे ख़्वाब रेजा रेज़ा जाना जाना बे आवाज़ गली कूचों में नाबीना ना शहर में आईना सब आवाज़ें मेरी हैं पसंदाज मौसम और एक प्ले है बोधलक और ख़ब गुल परेशान और 1987 में यूनिवर्सिटी ऑफ एलेन यूनाइटेड अरब एमरिट्स में उनकी कुलियात उस वक्त तक जो वो लिखी थी इस तौर पे असासा उसका नाम है तो भाई ब्यूटफुली बाउंड वॉल्यूम जिसे कलेक्टर्स आइटम कहते हैं वो उनको छपे जो अवार्ड्स उनको मिले हैं जिनसे उनको नवाजा गया है जिनसे उनकी रिकगनीशन हुई है वो नेशनल भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं उनमें शामिल हैं आदम जी अवार्ड फॉर लिटरेचर जो उन्नीस में मिला अबसिन अवार्ड फॉर लिटरेचर 1970, धनक अवार्ड 1970, सेवेंटी फ़िराक इंटरनेशनल अवार्ड उन्नीस इंटरनेशनल उर्दू अवार्ड बाई उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेरी अकेडमी टोरटो और जे एन टाटा अवार्ड फॉर पीस एंड ह्यूमन राइट्स बाई कल्चरल इंटरनेशनल जमशेदपुर ये भी भारत से है और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अवार्ड जो सबसे बड़ा अवार्ड है लिटरेचर में उनको भी वो भी उनको मिला है इस पस अंदाज मौसम के लिए उनका कहना ये है कि ये 1990 में मिला है लेकिन अभी तक इसके साथ जो मिलनी चाहिए चीज़ वो अभी तक मिली नहीं है वो क्यों नहीं मिली है ये सारी बातें इनसे हम करेंगे अच्छा जी ये क्यों नहीं अभी तक आपको ये पसंदाज मौसम का अवार्ड अभी तक मिला क्यों भाई ये पता नहीं उन्होंने चार साल लगा दिए क्यों लगाए इसमें तो दो बेचारे जिनको मिला था पश्तो के एक हमारे बड़े बुज़ुर्ग शायर अमीर हमजा शिनवारी वो तो इस दुनिया ही से रुखत हो गए अगर वक्त पे उनको कम से कम पैसा मिल जाता तो वो अपने इलाज मुआवजे पर ख़र्च कर सकते थे इसी तरह एक और भी ताप न ला सके इंतज़ार की तो वो भी रुखसत हो गए आप मैं और मुश्ताक अहमद यूस दो साल जानते जब अभी <laughs> इंतजार कर रहे हैं, कर रहे हैं। okay. आप इस वक्त चेयरमैन है नेशनल बुक फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल बुक फाउंडेशन ये इदारा करता क्या है ये ज़्यादा किताबें छापता है और सस्ती कीमत पर बेचता है ये भुट्टो साहब ने सेवेंटी टू में इस इदारे किए इसलिए कि बाहर की किताबें ख़ासतौर पर साइंसिस की किताबें जो बाहर से हम इम्पोर्ट करते थे या मंगवाते थे वो आम स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर सकता था तो जो बात डॉलर्स में थी अब वो हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में बल्कि उससे भी नस्बता कम कीमत पे दिया करते थे जो आप किताबें होती हैं उसकी भी ऑथर <laughs> हाँ, है ना जी? <laughs> 19 वॉल्यूम्स तो, तो ये <laughs> लेकिन इसमें लिखा नहीं हुआ बहरहाल <laughs> पायरेट सी का तो ये आलम है कि ये तो किताबें तो खैर छपती थी हमारी मेरी फैस की भी लेकिन ये कि मेरे नाम से अहमद फराज की जासूसी दुनिया किताबें आ गई <laughs> <laughs> के जासूस हमारे पीछे लगे रहते हैं पीछे लगे अहमद फराज की जासूसी अब जाके चोरों का पति बादशाह और कतलों का कात और फूल का और छोड़ें एक और किताब छपी गालिब से फराज तक और उनके मुतबीन में अहमद नदीम कासमी साहब का नाम और अहमद फराज़ का नाम तो कोई आया ऑटोग्राफ तो लेने मैंने कहा ये कब मेरा नाम कैसे आ गया बड़ा जलील इनतख उसमें खैर मैं समझ मु मुमकिन है मैं बाहर था ये कासिम साहब ने कुछ कर दिया हो कि उनकी तबीयत बहुत ही लिहाज हो रही है हाँ, हाँ तो वो मैंने एक दिन डरते डरते कासमिन साहब से कहा कि ये कासमी साहब तो ठीक है आप मेरा नाम आपको पूरा हक़ है इस्तेमाल करने का लेकिन ये इंतखब बड़ा जलील है

फेवर में भी होता है ख़िलाफ़ भी होता है तो इस तरह दोनों चीज़ें इसमें होनी चाहिए मैंने ख़ुद पूरी तरह अभी पढ़ी नहीं इसलिए मैं अपनी राय नहीं दे सकता okay. ये पिशावर से जदिदा एक पर्चा निकलता है बहुत अच्छा उन्होंने पहले फ़िराक नंबर और एक दो और नंबर राजेंद्र okay. सिंह बेदी अब कि उन्होंने ये छापी और दोस्त जो यहाँ की पब्लिकेशन है okay. उन्होंने इसको किताबी सूरत में छाप दी छाप दिया ओके द पीरियड ऑफ मार्शल ला कई मार्शल हाँ, 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 लॉ लगे हाँ, वो मार्शल लॉ हाँ, जिसमें आप ज्यादा हाँ, 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 हुए थे। हाँ, हाँ, आपको अरेस्ट पहली दफा कब करते हैं उस मार्शल लॉ से जरा पहले वो था मई सेवेंटी सेवन सेवनटी तो थे ना वो मूवमेंट जो पी मूवमेंट चल रही थी अच्छा और उसी में फ़ौज ने मुझे अरेस्ट कर लिया था और फिर खैर मानसर कैंप वगैरह रखे उन्होंने मुझे उसके बाद आबिद हसन मंटो साहब सैफुद्दीन सह, सैफ साहब भी मौजूद थे जब मुझे वो गिरफ्तार करके ले गए थे तो खैर आबिद मंटो ने फिर को वापस जो भी है वो और दुल्ला साहब थे उन दिनों जस्टिस तो बहल उसके कुछ अर्से बाद मुझे छोड़ दिया गया लेकिन इस कंडीशन के साथ कि आई विल बी अवेलेबल टू दथॉरिटीज़ मिलिट्री अथॉरिटीज़ एज इन रिक्वायर्ड ठीक तो उसके बाद हमें उन्होंने वो चार्जशीट बाकायदा उसकी दे दी समरी कोर्ट जो होता है इनका फौजी बहल उसके बाद एक दिन मैं जब गया तो उन्होंने कहा कि जी यू आर रिक्वायर्ड बाई दी एच क्यू तो मैं फिर फोन आया उनका किसी कमांडर का कि जी आप जेच क्यू आए मेखल एक दिन पहले या दूसरे दिन होना था ये ट्रायल तो एक दिन पहले मुझे फ़ोन आ गया मैं चला गया अब कि ज़रा मैं अपने ताम थोड़ा साथ ले गया था क्योंकि कपड़े भी जब उन्होंने मेरे लिए वहाँ जेल में बनवाए तो मेरे ही पैसों से बनवाए थे स्लीपिंग सूट तक तो वो और शेविंग किट भी तो खैर उन्होंने कहा कि ये है वो है बातें करते रहे कभी कबाब आ जाए कभी चाय आ जाए कर्नल साहब थे अच्छे आदमी थे उसके बाद उन्होंने मैंने कहा भाई मुझे बताया जाए मैं अंडर अरेस्ट हूँ क्या कबाब शाह कबाब शाह खाने <laughs> दवा तो वो तो हमारे यहाँ पिछावर में बड़े अच्छे मिलते हैं <laughs> या चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में खैर उन्होंने कहा कि नहीं चीफ ने चीफ आपसे मिलना चाहते हैं और कैबिनेट की मीटिंग है तो वो डिले हो गई है तो नाउ ही वॉन्ट टू सी हिम एट इज रेजिडेंस तो मैंने जी कि उनसे क्या मुझे बात करनी बहरअल दो ब्रिगेडियर आए और एक कर्नल साहब बीच में मुझे गाड़ी में बैठाया इधर एक ब्रिगेडियर दूसरा ले गए सी एस के हाउस पे वहाँ हमने देखा कुछ और जनरल भी हैं और जासा भी बैठे हैं तो जासा मिले बड़े उससे फिर थोड़ी देर बात करने लगी कि देखे हमें जो लोग गलियों में कह रहे हैं हमें उसकी कोई परवाह नहीं है वी डोंट केयर अवर द मैन इन द स्ट्रीट कॉल्स दे आर अब्यूजिंग एस दे आर इंसल्टिंग लेकिन जब ये वेन इट कम्स फ्राम द सर्कल ऑफ इंटलेक्चुअल्स एंड विद स्टेचर ऑफ यू एंड ही वन टू देन वी आर नॉट ओनली अपसेट वी बींग डिसिप्लिन आर्मी वी हैव टू टेक एक्शन तो खैर उस पर बातें हुई और उसने कहा कि फिर लेकिन एक चीज़ जो मेरी समझ में नहीं आई कि भुट्टो साहब की तारीफें जो जिया साहब ने शुरू की आपके सामने मेरे सामने अच्छा एंड माइंड इट इट वॉज ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ जून और पाँच दिन बाद वो उनकी हुकूमत को टापल कर रहे थे ठीक तो प्लान्स तो उनके पास पहले से थे लेकिन मेरे ख्याल में कि पैगंबर के बाद किसी को दर्जा दिया उन्होंने तो भूटो साहब को तो भूटो तो 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 साहब को ऐसे लीडर सदियों में पैदा नहीं होते ऐसे रहनुमा के लिए दरस्ती हैं कौमें और ये और पढ़े लिखे हैं और मैन विद विजन एंड मैन विद क्रिज्मा और उनके ये और लोग उनके साथ हैं और कौन ये कर सकता उनको ये वो इस तरह की मैं पहले से समझा शायद किसी कायदे अज़म की बात कर रहे हैं या किसी पैगम्बल की बात कर रहे हैं जब भुट्टो साहब का बाद में नाम लिया तो मैंने कहा चलो भुट्टो साहब की बहुत मदद हैं लेकिन वो सारा वो मेकअप था और इट वॉज हेपोक्रेसी और चार दिन बाद पाँच दिन बाद उन्होंने उनके साथ जो भी सलूक किया वो तो हुँ। हुँ। Now, फिर इसके एक स्टेज ये आई है कि आपका आपके पीछे ताकुब तो होना शुरू हाँ हो गया तो क्योंकि वो व शुभात में आपने हुक्मरानों को डाल दिया हाँ हाँ। सिंध में आपकी बैन लग गया सिंध वाला वाक्य क्या था हाँ आप वहाँ बड़े मोहतर बन के गए उसके बाद हाँ मुझे यार बुलाया उन्होंने बड़े उससे और वहाँ जालिब को और मुझे दोनों को बुलाया था उन्होंने सिर्फ दो शायरों का मुशारा और प्रेस क्लब में काफ़ी लोग आए थे उसमें काफ़ी पोलिटिकल लीडर्स भी थे पॉलिटिशन भी थे राइटर्स भी थे बहुत थे। खैर वो हमने नजमें वजमें पढ़ी उसमें मुहासरा भी मैंने पढ़ी उसके बाद रात का खाना था वहाँ से वापस आए तो मैं ठहरा हुआ था एक होटल में वहाँ जब मैं पहुँचा फिर रात के डेढ़ दो बजे तब तो देखा पुलिस की बैठी हुई है दो चार लोग पुलिस के कुछ ये तो मैं अपने रिसेप्शनिस्ट से चाबी ली कमरे की तो उसको कह रही थी वो जब मैसेज फॉर यू फ्रॉम ये फ्रेंड ये वो वो नंबर नंबर वम्बर साथ साथ इशारे कर रही थी अच्छा मेरी समझ में नहीं आया क्या इशारे क्यों कभी उसने पहले तो किया <laughs> तो नहीं था बहर किसी खुशफहमी में नहीं थे हम तो इतने में एक मेरे कंधे के ऊपर आए थी आवाज़ कि असल फराज़ साहब मैं मैं नजर हुसैन डी एस पी हूँ या मोहम्मद हुसैन डी एस पी हूँ और ये ग़ुलाम अब्बास इंस्पेक्टर है आपसे कुछ काम है अच्छा मैं सोचा कि यहाँ में से बात करूँ तो आते जाते मुसाफिर जो वहाँ ठहरे हुए थे वो समझेंगे पता नहीं कोई चोरी के केस में है डाके के केस में है कोई और एम्बेजमेंट वगैरह वगैरह ठीक तो इसलिए मैंने उन्हें कहा कि यू कम टू माय रूम अच्छा अब हम कमरे गए तो थोड़ी देर बाद उन्होंने एक पर्चा निकाला और मुझे दे दिया उस पर लिखा था अहमद फराज रेजिडेंट ऑफ एनडब्ल्यू पी इज बाई एक्ट अलाउड टू एंटर तो सिंध बदर हो गया अच्छा वहीं से खैर और जी टिकट आपका कहाँ मैंने कहा मैं तो एक तरफ का टिकट लेके आता तो। ये गुरतवे ने आपसे सीखे हुए हैं तो वन टिकट बिल्कुल तो उन्होंने कहा खैर है जी वो टिकट हम आपका बंदोबस्त हमें हाँ उसके बाद हम बैठ गए नहीं कहने लगे पाँच बजे हम आएंगे आपको लेने ढाई उस वक्त बजे थे तो खैर बहाल वो पाँच बजे और फ़ोन करूँ तो फ़ोन नहीं डे तो आखिर वो ठक ठक करके तो मैंने ऑपरेटर से मिल गया रिसेप्शनिस्ट से तो मैंने कहा कि हैं या चले गए कहते दो आपके कमरे के बाहर बैठे और दो नीचे बैठे हुए खैर सुबह मैं सो गया सुबह फिर घंटी बजी मैं जी डी आ गया हूँ आप तैयार यार मैं कभी तो मैं उठाऊँ शावर लूँगा और शेव करूँगा एक हथ प्याली चाय की पीऊँगा एक सेकंडा कहें के आधा घंटा बरल देख पैक माई लगेज पैक यू क्यों अलाम विद द लगेज और उसमें मुझे गाड़ी में उठा के या पोर्ट ले गया वहाँ रास्ते में जब मैं आ रहा था तो मैंने कहा मैं अपने मुल्क में भी नहीं फिर सकता पहले मेरा मुल्क आधा हो गया पाकिस्तान मशकी पाकिस्तान वैसे ही मुझसे चला गया अब सिंध आज मुझे सिंध पे पाबंदी लग गई मेरे दाखिले की कल पंजाब नहीं जा सकूँगा परसों अपने सूबे भी नहीं जा सकूँगा फिर मेरी एग्जिस्टेंस की क्या जस्टिफिकेशन है इस मुल्क में मैं एक लिखने वाला हूँ और अगर लिखता रहूँ ज़ाहिर है रेडियो पे पाबंदी टेलीविजन पे बैन Uh, अखबार वाले सेंसर बग़ैर तो छप नहीं सकता था कोई मुशायरा एक रास्ता था जिससे पब्लिक कॉन्टेक्ट मेरा था उस पर भी पाबंदी हो गई तो मैं ऐज ए रज ए पाकिस्तानी राइटर जो इस मुल्क के मसाइल इन इस मुल्क के लोगों की बातें लोगों तक नहीं पहुंचा सकता कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो क्या मुझे मेरा पाकिस्तान में रहना ज़्यादा मुफीद है या बाहर जा और फिर अगर मुझे ये क़ैदी कर लेते हैं तो क्या मैं लिख लिख के घड़े में डालता रहूं और जब ये और मुझे यकीन था ये ख़त्म तो होना है माशा रह नहीं सकता ज़्यादा देर तो फिर मैं आ जाऊं और मैं भी कहूं जी मैंने भी ये आ, था, उस किया था किया था और वो सितम तो ये है कि किदे सितम के जाते ही तमाम खल्क मेरी हमनवा निकलती है फिर सब वो जाते हैं तो मैंने कहा कि नहीं बाहर जाना चाहिए और वहाँ के जो लोग हैं उनको बताना चाहिए कि माशाल्लाह में क्या क्या हो रहा है मुल्क में क्या हो रहा है कोड़े लग रहे हैं सरेआम इंसान की जिस्म की तोहन हो रही है और और चीज़ें बुनियादी हकूक़ तो खैर जा ही गए थे तो बस एक जिस दिन ये ख़त्म हुआ पाबंदी का ज़माना उसी दिन में खाली ईद थी और मैं ईद का दिन था और मैं कराची पहुंचा और एक बड़ी मामूली सी एयरलाइन का टिकट लिया एक दो दोस्त थे मेरे उनके साथ उनके पासपोर्ट मेरा भी उनके पासपोर्ट में और बड़ा स्केलेटन था उस दिन था स्टाफ पी का तो वैसे तो ही राइता वेलकाम निकल गए उसके बाद अब समझ नहीं कि करना क्या है यहाँ पहले सोचा था चलिए वो हमारे दोस्त थे अली महमूद और बिल्लो उन्होंने कहा था फैस फैसा फिल्म बनाते हैं फैज साहब जिंदा थे और बैरूत में थे तो हमने कहा चलो ये मैं स्क्रिप्ट लिख लूँगा डायरेक्टर वैक्टर भी हो गए थे आ, फिर हमने कहा चलो लेकिन फैज साहब आए बैरूत में बड़ी बमबारी वगैरह हुई थी तो फैज साहब बड़ी मुश्किल से जान बचा के लंदन आ गए तो फिर हम इकट्ठे ही है कि हमारे मेज़बान यही अली महमूद थे हम कट्ठे ही रहे उनके पास और कुछ काम भी किया कोई कैसेट वैसेट बनाया कोई इंटरव्यू कुछ लिखा लिखाया और मुझे बड़ी खुशी है यानी ये सारे जो मसाहब थे वो एक तरफ और ये खुशी कि फैज़ साहब की मैत में मैंने कुछ दो तीन चार महीने एक ही छत के नीचे गुजारे और उनकी आदत उनकी ख़ूबियाँ उनका इल्म उनकी जहानत उनकी पर्सनैलिटी के और जो रुख थे वो मुझे देखने नसीब हुए तो ये एक बहुत बड़ी दौलत थी उसके बाद हम अमरीका अमरीका चले गए तो मुझे जाना था कैनेडा से अमरीका और ऐसा आपको वियतनाम जाना था वहाँ से फिर हमारे दोबारा मुलाकात नहीं हो सकी हुई भी तो वो फिर जब आए वहाँ से मास्को से वियतनाम से मास्को चले गए थे वो अपना रिपेयर शॉप थी उनकी मास्को में जान दांत वाँत ये वो ठीक ठाक करा के आ जाते थे तो उन जब आए तो उन सिगरेट विगरेट और छोड़े छोड़ थे, थे तो ये गलत बात थी वैसे अच्छा कुछ दिनों बाद फिर जाके देखा तो कामिल हॉस्पिटल में पड़ गए मैंने कहा फैसला अभी तो आप चेकअप करा के आए हैं तो आप ये कहेंगे यहाँ के डॉक्टर शायद कह दें कि पीना शुरू कर दो <laughs> <थी>, <laughs> तो, तो, चा, शुरू चा, कर तो च, चा, चांस लेना चाहिए खैर बरह फिर वो मैं मुझे कहीं दूसरे मुल्क जाना था स्विट्जरलैंड वगैरह तो इनका जश्न या इनका इनके बारे में फैसला के बारे में सेमिनार तो अभी तक मुझे याद है कि कल फराज तुम आ जाना जरूर मैंने कहा जी मैं एक सेशन हर कीमत पे अटेंड करूँगा और मैं पहुँचा तो बड़े खुश हुए वो और वो आखिरी हमारी तस्वीर भी इकट्ठी है तो बहरहाल फिर वो पाकिस्तान चले गए जहाँ उनसे फिर उसके बाद में मुलाकात नहीं हो सकी तो ये था

मगर मुझे कुछ मैंने कहा आई नॉट ए पॉलिटिकल मैन वाई शुड आई गो फॉर पोलिटिकल मेरे भाई साहब का घर वहाँ था बस उतना ये था कि सर पर छाती या दोस्त कुछ थे बड़ी मोहब्बत दी उन्होंने लेकिन वो बगैर काम के या बग़ैर और भी तो हमारी आते हैं कुछ खर्चे वर्चे होते हैं तो, तो साउथ हॉल तो वो 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 में था नजम सुनना चाहता हूँ वो जो आपकी नजम है वो उतनी रेलिवेंट है टुडे एज इट वॉज एट दैट पॉइंट ऑफ़ टाइम दैटरा नहीं ये मेरे मेरे सारे लोगो, वो मेरे है, सारे लोगों हाँ, लोगो, हाँ, लोगो, हाँ, हाँ तो वो, <coughs> वो, वो <coughs> लोग आवाज नहीं, नहीं नहीं वो है पसंदाज मौसम अच्छा, पसंदाज मौसम ठीक मेरे सारे हाँ, लोग <coughs> पता नहीं बहरहाल ये जो मेरे उस वक्त जज्बात थे ये जी और हाँ। बहुत फराज साहब की तो बहुत चीज़ें सब चीज़ें पसंद होती हैं अब जो भी लिखते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन ये बहुत इट्स एक्सप्रेशन जी मैं जी देता हूँ प्लीज ऐ मेरे सारे लोगों अब मेरे दूसरे बाजू पे वो शमशीर है जो अब मेरे दूसरे बाजू पे वो शमशीर है जो इससे पहले भी मेरा निस्बन काट चुकी उसी बंदूक की नाली है मेरी समत के जो इससे पहले मेरी शहरक का लहू चाट चुकी फिर वही आग दराई है मेरी गलियों में फिर मेरे शहर में बारूद की भू फैली है फिर से तू कौन है मैं कौन हूँ आपस में सवाल फिर वही सोच मयाने मनो तू फैली है बात मेरी हस्ती से परे भी मेरे दुश्मन होंगे मेरी बस्ती से परे भी मेरे दुश्मन होंगे पर यहाँ कब कोई अग्यार का लश्कर उतरा आशना हाथ ही अक्सर मेरी जानब लपके मेरे सीने में हमेशा मेरा खंजर उतरा अच्छी, फिर वही खौफ की दीवार तज़ब्ज़ुब की फ़जा फिर वही आम वही अह रिया की बातें नाराय हुब्बे वतन माल तजारत की तरह जिनसे अर्जा की तरह दीन खुदा की बातें इससे पहले भी तो ऐसी ही घड़ी आई थी इससे पहले भी तो ऐसी ही घड़ी आई थी सुबह वहशत की तरह शाम गरीबा की तरह इससे पहले भी तो पैमाने टूटे थे शीशे दिल की तरह आईनाए जाँ की तरह फिर कहाँ अहमरी होंटों पे दुआओं के दिए फिर कहाँ अहमरी होंटों पे दुआओं के दिए फिर कहा शबनमी चेहरों पर रफाकत की रिदा संदली पाओं से मस्ताना रवि रूठ गई मरमरी हाथों पे जल बुझ गया अंगार हिना दिल नशी आंखों में फुरकत जदा काजल रोया शाख बाजू के लिए जुल्फ का साया रोया दिल नशी आंखों में फुरकत जदा काजल रोया शाख बाजू के लिए जुल्फ का बादल रोया मिसले पैरा ने गुल फिर से बदन चाक हुए जैसे अपनों की कमानों में हो अग्यार के तीर इससे पहले भी हुआ चांद मुहब्बत का दुनी नो के दशना से खिंची थी मेरी धरती पे लकीर आज ऐसा नहीं ऐसा नहीं होने देना आज ऐसा नहीं ऐसा नहीं होने देना ऐ मेरे सोखता जानो मेरे प्यारे लोगो अब के घर जलजले आए तो क्यामत होगी मेरे दिलगीर मेरे दर्द के मारे लोगों किसी गासिब किसी जालिम, किसी कातिल के लिए खुद को तकसीम न करना मेरे सारे लोगों आपकी जो इनिशियल शायरी है जिससे इनिशियल फेम आ, मिली उसमें रंजिशी सही और और अब के हम बिछड़े तो शायद के बिछा तो मिलें और ये कैसी मेरे साथ कैसी रोशनी है इट वज़ इसेंशली जो जो मैस पॉपुलैरिटी शुरू में आपको मिली थी इट वॉज एक नई लहर एक रोमांटिक पोट्री की शुरू हुई है ये चेंज कैसे आया कि दिस थॉट। असल में ये ये गलत इम्प्रेशन है मैंने पहले भी कई मरतबा कहा कि मेरी पहली किताब की पहली नज्म शायर जो है उसमें मेरा इट्स मैनिफेस्टो उसमें मैंने अपना मंशूर मुतिन कर दिया था कि ये नहीं कि ठीक है वो भी शायरी है वो भी मेरी जिंदगी का एक रुख था मगर मैं एक 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 मुकम्मल इंसान की तरह मैं ज़िंदा रहा तो मुझे इस गिर से आ, मैंने गफलत नहीं बरती मुझे अपने लोगों से भी उतना ही प्यार था जितना मुझे अपनी ज़ात से था सो उनके साथ भी उन कोई ज़्यादती होती कोई नासाफ़ी होती कोई मुशरती और मुआशी नाहमवारी होती तो उससे भी मेरा दिल उतना ही मुतसर होता जितना आ, किसी महबूब की आ, के हिजर में होता था तो इसलिए मैं कोई प्लान करके तो लिखता नहीं था कि आज मुझे ख्वाबों में मिलना है तो दूसरे दिन मैंने कोई यही मुहासर लिखनी है जैसे जैसे इवेंट्स जैसे जैसे लम्हे आते गए मेरी ज़िंदगी में और जो वाक्यात मैं देखता था और जिसने मुझे अपनी ग्रिप में ले लिया उसी वक्त शायरी उसी के बारे में हुई और ये सोच के नहीं बल्कि मैं मजबूर हो जाता था वो कुछ लिखने के लिए और बल्कि बाज़ नजमों में तो लिखते वक्त मुझे अंदाज़ा ही नहीं होता कि मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ यानी वो ग़ुस्सा या दुख या वो वो इतना जज्ब हो जाता था मुझ में कि मेरी मेरी हैसियत बस वो मुकम्मल वो वो दुख का एक एक पर्सानोफाइड वो हो जाता था नक्शा हो जाता था तो उस दौर में मैं ऐसी नजमें लिखता रहा ख़ासतौर पर जब ये माशाला आया तो इसने तो बहुत ही मुझे यानी अपसेट ही नहीं किया मुझे जैसे मुझ में आग भर गई हो क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हुई माशा में के इंसानियत सोच नहीं सकती और कभी हमारे मुल्क के लोगों ने ऐसी अजियत अजियत देखी नहीं थी जनाच मैं लिखता रहा और वो मेरी ब्यावाज़ गली कूचों में उसका नाम भी इसीलिए है कि इस में कोई आवाज़ उठाता ही नहीं था या उठने देते ही नहीं थे जब मुझे बुलाया गया कि देखो तुम्हारे कुछ वकील दोस्त थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उनको किसी को जेल में डाल दिया किसी को कोड़े मारे किसी को एजेंसियां दे दी तो वो चुप हैं आपके राइटर्स थे एल हर्फ तो उनको कलम कॉन्फ्रेंस बुला ली और, और कमाल की बात है कि मुझे इसलिए दुख भी हुआ अल कलम, कलम से मुझे जो शिकवाएं कि मेरे ख्याल भुटो साहब को चार अप्रैल को एक्सिक्यूट की <coughs> और ग्यारह अप्रैल को कलम कॉन्फ्रेंस का इनका किया गया बहुत सोच समझ के और जिया की पहली पब्लिक अपियरेंस उसमें हुई साथ कलम कॉन्फ्रेंस कलम कॉन्फ्रेंस में अच्छा। ताकि लोगों को ये बताया जाए कि इंटेलेक्चुअल्स तो मेरे साथ हैं अच्छा। और उन्हें कोई वो नहीं है और उनको बल्कि एक दावत में तो उन्होंने जब आखिर में वो चंद लोगों को शायरों को लिखने वालों को अपने घर पर दावत बुलाते थे

मुहासरा मेरे गनीम ने मुझको पयाम भेजा है कि हल्का जन है मेरे गिर लश्करी उसके फसीले शहर के हर बुर्ज हर मुनारे पर कमाम बदस्त सतादा हैं अस्करी उसके वो बर्क लहर बुझा दी गई है जिसकी तपिश वजूद खाक में आतिश फशां जगाती थी बिछा दिया गया बारूद उसके पानी में वजूह आव जो मेरी गली को आती थी सभी दरीदा दहन नब बदन दरीद हुए सपुरद सारे सरकशीदा हुए तमाम सूफी और सालिक सभी शयुख इमाम उम्मीद लुत्फ पे ईवान कच कुलाह में हैं मजीने अदालत भी हल्फ उठाने को मिसाल साल मुब्रम नशिस्ता राह में हैं वाह तो मेले हर्फ के पिंदार के सनागर थे वो आसमान हुनर के नजूम सामने हैं बस इस कदर था कि दरबार से बुलावा था गदागरान सुखन के हजूम सा कलंदरान वफा की असास तो देखो तुम्हारे साथ है कौन आस पास तो देखो सो शर्त यह है जो जहाँ की अमान चाहते हो तो अपने लोहो कलम कतल गाह में रख दो वगरना आपके निशाना कमानदारों का बस एक तुम हो सो गैरत को राह में रख दो ये शर्तनामा जो देखा तो एक चीज से कहा ये शर्तनामा जो देखा तो एक चीज से कहा उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है सो ये जवाब है मेरा मेरे उदू के लिए कि मुझको को हिरसे कर्म है न खौफ खमियाजा उसे है सतवत शमशीर पर घमंड बहुत उसे शकोह कलम का नहीं है अंदाज़ा वाह मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाश करे मेरा कलम नहीं कासा किसी सबुक सर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे मेरा कलम नहीं औजार उस नकब जन का जो अपने घर की छत में शगाफ डालता है मेरा कलम नहीं उस दुज नीम शब का रफ़ीक जो बेचारा घरों पर कमंद उछालता है मेरा कलम नहीं तस्बी उस की, जो बंदगी कभी हर दम हिसाब रखता है मेरा कलम नहीं मीजान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की मेरा कलम तो अदालत मेरे जमीर की है इसीलिए तो जो लिखा तपा के जहा से लिखा इसीलिए तो जो लिखा तपा के जहां से लिखा जब ही तो लोच कमा का जुबान तीर की है मैं कट गिरू कि सलामत रहूं यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा तमाम उम्र की ईजा नसीबियों की कसम मेरे कलम का सफर रायगा ना जाएगा ओके इयर्स okay, आप रहते हैं मुल्क से बाहर इम्प्रेशन कि आप आ, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर गए वाली क्योंकि दीदी जब थी जिला वतन तो आपकी मुलाकात होती थी, थी आप उनसे मिलते भी थे आप उस प्रोटेस्ट में शामिल थे वो मूवमेंट जो उन्होंने वहां हाँ, लॉन्च की हुई थी बट यू आर नॉट ए मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल नो आई एम नॉट आई स्टिल नॉट कभी भी किसी पॉलिटिकल लेकिन ये ज़रूर है कि जो जमातें उस वक्त और जाहिर है कि जितनी जमातें भी थी उनमें करीब तर मेरे ख्याल के अतबार से वो पीपल पार्टी थी लेकिन जो जुमातें भी हद तक जमत इस्लामी भी अगर उसमें माशा के ख़िलाफ़ वो करती जद वजहद तो मैं उनका भी साथ देता मैं माशा और फौजी अमरीत के खिलाफ हूँ एक शायरी की हैसियत से एक लिखने वाले की हैसियत से एक एक बैनवामी माशरे के एक फ़र्द की हैसियत से मैं माशा को कभी सॉलो नहीं कर सकता अमरीत किसी की किसी किसी शक्ल में हो ठीक है मैं तनकीद अपनी हुकूमतों पर भी करूँ सिविल हुकूमतों में भी करूँगा एक शहरी की हैसियत है मेरा हक वहाँ था और जमहूरी जमहूरीत का मतलब क्या है अगर मैं अपने रहनुमाओं या पार्टी लीडर्स या पार्टियों के जो वो हैं उन पर उनके किरदार पर अगर वो ठीक नहीं चल रहा है या वो कौम के लिए कोई तकलीफ देह साबित हो रहे हैं या एक आम आदमी के लिए तो ठीक है वो मेरा हक है कि मैं उनको मगर ये नहीं कि उस की बजाय कोई और आ जाए बंदूक या कोई संगीन आ जाए कि जी हम इसको ठीक करते हैं नो ये हमारा ही मसला है और हम, हम ही आपने एक दफ़ा मुझे कहा था वो कि अंग्रेज़ हमें जाते हुए कौन सी पर्ची ए, दे पर्ची दे गए थे मैंने कहा यही तो किया आज़ादी क्या होती है गोरे जाते हुए हमें ये एक इतना सा टुकड़ा दे गए थे कि ये इसका नाम है आज़ादी भाई ये क्या है ये है जी वो कि जिसमें आप इसका नाम वोट है और जिसको आप चाहें उसको आप अपना रनुमा बना लें या उस पार्टी को ले आए और आपकी बराबरी करें। वो पर्ची भी जब मुझसे छीन ले गई छीन गई मुझसे तो फिर तो वो गोरा भी नहीं रहा और आजादी भी नहीं रही तो वो नहीं बर्दाश्त होता है okay. hmm? जब डेमोक्रेसी रिस्टोर हो जाती है hmm. और वक्ता वक्तन हमें मिल जाते जस्ट एज अ फ्रेंड हो गया हाँ, जी ऐसे हो रहा है वोट बाइंग हो रही है इनकॉम्पिटेंस जब हम देखी जाती है लूट मच गई वो लूट मच गई विद इन हाउ डू यू फील वेन यू कंपेयर द टू ये हर हाल बेहतर है ये तो बहर हाल बेहतर फॉर डिस्कशन लेकिन इसको हम असल में डेमोक्रेसी का इलाज ही अगर ख़राब है तो और डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी फिल्टर करते जाएं आप यही मतलब उसका प्रोसेस का यही है कि आप थोड़ा सा गंद है फिर फ़िल्टर किया फिर थोड़ा सा आ गया कुछ रह गए फिर उसे फ़िल्टर किया हती तक वो तथिर का अगर सिस्टम चले लेकिन यहाँ बहुत ही ख़राब बात जो अब आ गई है और उसकी वजह ये देन भी हम समझते हैं कि मार्शल ला की है कि बाई द पीपल खरीद खरीदो लफाफा पॉलिटिक्स लफाफा पॉलिटिक्स लोटा पॉलिटिक्स बल्कि मैंने तो एक होटल को कहा कि वो आपने तो सुना है होटल का नाम बदल गया उसने कहा यस अब ये नहीं अब ये नाम है तो मैंने कहा नहीं एक और भी आगे भी बदल गया है कहते क्या है मैंने कहा इस नाव इस कॉल्ड लोटल इंस्टेड ऑफ होटल लोटल लोटल उसमें लोटे उस दिन ठहरे हुए नॉट होटल बट लोटल तो तो ये जो इन्हें हमारे जो जिसे हम नुमाइंदे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स इनको ख़ुद शर्मानी चाहिए कि वो अपनी कारों के आगे ये ना लिखें किसी है सेनेटर लिखा हुआ किसी एम एन ए लिखा हुआ और इस तरह जैसे वो उनके हम हुक्मरान हमने चुने हैं हमने जैसे अपने खादम नहीं चुने अपने नुमाइंदे नहीं चुने ये ये तस्वर इनसे छीना जाए कि दे शुड नॉट थिंक That we have elected them to rule us, We have elected them to, to serve है ये इनके जहन में जब तक ये नहीं ये और जिसको देखो वो बना रहा है किसी है महल बना रहे हैं कोई ये कर रहे हैं कोई बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं ये इतना खूबसूरत मुल्क है इसके इतने इतने प्रॉब्लम हैं हमारे बेशक, और पता नहीं इस मुल्क में कितना पैसा था कि जितना निकाले जाए अभी उसका कीचड़ रह गया पानी तो ये सारा ले गए हैं जैसे कुएं से अब रह उसको भी ये क्या छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं चाहते।, चाहते ये क्या करना चाहते तो इस पर सीरियसली इनको सोचना चाहिए और ख़ास तौर पर वो उन पार्टियों को जो क्लेम करती हैं कि वो अवाम वैसे क्लेम तो सारी करती हैं कि जी अवाम की भला अच्छा एक चीज़ मैंने कभी अखबार में नहीं देखी कि ये हो गई है हो जाएगा हाँ। ये गरीब के मसाइल हल हो जाएंगे ये, ये प्लान लग जाएगा ये जो फ्यूचर टेंस जितना इस्तेमाल होता है अखबार देखें भरा पड़ा इससे निजात हमें मिलनी चाहिए काम करो और कहो जी ये हो गया है ये कर दिया गया है और खामोशी से फिर ये कि अगर आपको हुकूमत मिल जाती है और मैंडेट मिल जाता है आप इन झगड़ों में मत पड़े ये एक की टांग खींचना उन्हें अपोजिशन या जो भी है उसको उसका भी अपना एक किरदार है उसको भी कर मगर ये कि ये जो आ, उसकी होती है ना पॉलिटिक्स निचले दर्जे की कि उसको छेड़ा उसको वो किया एक गाली दी उसके जवाब में गाली सुन खामोशी से एक दफ़ा मिल जाए आप अपना दुनिया काम करें अपना मैनिफेस्टो सामने रखें जो जो आपने प्रामि स्कीम है उनको इम्प्लीमेंट करें और थोड़े से खर्चे कम करें अगर आप कहते हैं मुल्क पैसा नहीं है तो फिर उसके बाद जब हम और चीज़ें देखते हैं तो बिल्कुल कंट्रास्ट होती हैं हम कहते हैं अभी कहते थे कि यार गरीब को साइकिल अलाउंस नहीं दे सकते तो ये फिर इतनी मर्सिडीज़ कैसे खरीदी गई हैं या ये जहाज़ कैसे ख़रीदे जा रहे हैं ये ये बुरी बातें हैं और लोग इनको माफ़ नहीं करेंगे मैं एक और सीरियस बात ये क्यों लोग कंफ्यूज करते हैं कि चूंकि आप इंडिया जाते हैं एटलीस्ट एस्टेब्लिशमेंट जो होती है कि आप इंडिया नजर आते हैं गवर्नमेंट एज बी अगेंस्ट अगर यही तो हमारे यहाँ आज तक ये फर्क इनको नहीं पता चला कि गवर्नमेंट के खिलाफ होना नहीं जरूरी बल्कि होते ही नहीं कि वो स्टेट के खिलाफ हो ठीक मेरे नज़दीक सबसे मुकदस टुकड़ा हाँ. <laughs> इस धरती पर पाकिस्तान का ठीक और मुझे पता है कि मैं इससे मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझ जैसों बेशुमार लोगों को बहुत को हम सबको में सबको मिलता अच्छा दूसरी बात यह है कि इंडिया में ज़िंदगी में पहली मरतबा मेरे तो कोई वहाँ अजीज़ नहीं कोई रिश्तेदार नहीं हम तो पठान लोग हैं वहाँ सुबह से रात से उधर तो नस्लों से वहीं है ना पार्टीशन से हमें कोई फ़र्क पड़ा ना उससे हुआ लेकिन '82 में मैं पहली दफ़ा जब एग्जाइल में था तो इंडिया एक मुशायरा था और उसमें पाकिस्तानी शराब पहुँचे हुए थे ये नहीं था कि मैं मैं तो लंदन से गया था लाहौर से कई आपके जो जो मुझे एंटी पाकिस्तान या प्रो इंडिया कहते थे वो पहुँचे हुए थे और वही और बल्कि उनको ना बुलाया जाए तो वो खत लिखते हैं चिट्ठी दर फिराक वाली लिखते हैं कि हमें क्यों बुला दिया आपने तो वहाँ थे वहीं पे मेरा इंटरव्यू भी फिर उन्होंने लिखा लिया और फिर यहाँ के जैसे भी दिया बदल मैं वहाँ इंडिया गया मुझे मेरी एम्बेसी ने बुलाया मैं गया वहाँ उनके फंक्शन ने पाकिस्तान डे था मैंने कहा आप ना भी बुलाते तो मैं, मैं फंक्शन है तो ये उन्होंने लिखा भी खैर अब आप कहीं भी जा, जाए अगर तो हम बिकने वाले होते तो भाई एक शायर विचारे से क्या लेना किसी <laughs> हैं मैं कोई इंटेलिजेंस में हो सकता है तो नहीं था अमेरिका का जो वो रशिया को भेज दिए थे उसने है? और अपना एक बना लिया उसने हुँ. तो बहर <coughs> ऐसी कोई बात नहीं आ, <coughs> मैं तो समझता हूँ कि मोहब्बत से मसले तय हो सके तो मैं ये अभी जो जी टी वी पर इंटरव्यू था मेरा उसी मैंने जो कुछ कहना था वो यहाँ भी देखा लोगों ने और रिकॉर्ड मौजूद है मैंने कहा जाके इंडिया में हुआ था वो उस पर मैंने कहा कि भाई कश्मीर का है, इसको ठीक, है? मसला इसको तय कर ये ये डिस्प्यूटेड आप कह सकते कि मसला नहीं है, है नहीं मानते हैं आप ये नहीं, नहीं, नहीं क्या, है? क्या दूसरी बात यह कि हम क्यों नहीं कैनेडा अमेरिका की तरह रह सकते क्यों नहीं क्या स्वीडन और इसकी तरह नॉर्वे की तरह रह सकते हम हमारे तो बड़ी चीजें मिलती हैं बिश्तर मसाइल हैं हमारे एक जैसे बल्कि उससे मुझे कहा कि देखे ना अगर हमारी टीम मसलन क्रिकेट ही है कि अगर हम इकट्ठी कर लें तो हम दुनिया भर को हरा सकते मैंने कहा ये ना कहें आपके बगैर भी हमने हरा दिया <laughs> <है। laughs> हम <हमें> इतना <laughs> <एक तार> करने की <laughs> कोशिश ना करें <laughs> हाँ, मैंने कहा कर वो हमने बगैर उसके भी यही हरा दिया उसके बाद <laughs> बाकी सरहदें भी अपने मुल्क की होती हैं बिल्कुल अजीज होती हैं सो इसका नहीं बाकी कुछ कलम नगार ऐसे होते हैं जिनको कुछ ना कुछ लिखना होता है फैज साहब के खिलाफ एक एक खास अखबार हमेशा लिखता रहा फिर अब शर्मिंदा हैं कि साहब वो तो हमने गलत लिखा वो तो ऐसा नहीं था कौन से फैज साहब ने यहां महल क्या, क्या क्या हाँ। साहब के खिलाफ लिखा उन्होंने कितना कमा लिया अब उनके असासे देखें और फैज साहब के असासे देखें और फिर फैसला कर लें कि मुल्क के साथ किसने बेफाई की और किसने बेचा उसको वो बल्कि ऐसी डिबेट होनी चाहिए मैं तो उन अखबारों को चाहता हूँ कि वो आए और मुझसे सवाल करें और मैं उनसे करता हूँ मैंने तो सब हिसाब जहाँ बरसर आम रख दिया ये हमारी किताबें हैं ये हमारे असासे हैं ये, ये हमारे सोच है हमारी ये हमारी सोच है आए कहीं कह दें कि पाकिस्तान के खिलाफ हमने टेम्परामेंटली आप रोमेंटिक आदमी हैं बिल्कुल <coughs> हूं इश्क का तस्वुर क्या है आपके जहन में बिलखसूस जो जिनसे मुखालिफ होती है बाकी इडियोलॉजिकल तो होती रहेगी नहीं मैं एक भरपूर इश्क का कायल हूँ एक मुकम्मल इंसान के इश्क का मैं अफलातूनी इश्क जो फ्रस्ट्रेशन का इश्क होता है और उसमें आप अपने वजूद का आधा हिस्सा ज़ाया कर देते हैं इसलिए नहीं आप मुकम्मल मोहब्बत दे ही नहीं सकते किसी को जब तक आप पूरा अपना वजूद उसके हवाले नहीं करते तो मैं एक मुकम्मल इंसान की तरह मुकम्मल इश्क चाहता हूँ जिसके लिए रोना है हाँ। जिसके लिए हंसना है जिसके लिए जिसको मिस करते हैं आप वो आपके वजूद में पूरा समाया होता है अच्छा। तो वो जो इकबाल कह गया ना कि खुदा का तस्वर भी जो किस तरह बुतप्रस्ती पैदा हुई दुनिया में बुतप्रस्ती इसलिए पैदा हुई इकबाल कहते हैं कि हुजूर दर जहां रस्म सनम गरी निहाद नहाद हुजूर दर जहां रस्म सनम गरी निहाद इश्क फरेब मी देहाद जाने उम्मीदवार रहा okay. समझा भी दे हाँ, हाँ. जो करीब आने की ख्वाहिश है उसके हुजूरी की ख्वाहिश है किसी महबूब की उसी ने उस ख्वाहिश ने बुतपरस्ती का आगाज वाह अच्छा। हाँ। क्योंकि इश्क जो है वो खुद को फरेब देता है जाने उम्मीदवार कि चलो कल तो मुलाकात होगी ना अच्छा। तो वो चाहता है ये सिंबल उसके सामने तो इंसान से जब इंसान की मोहब्बत होती है वो पूरे वजूद की मोहब्बत होती है उसमें ये नहीं है कि मुझे आंख से देखता रहूं और सिसकियाँ भरता रहूं लव नहीं इसमें और कई परतों परतें खुलती हैं इंसान की और वो सालेडिशक होता है ठीक ये टेस्ट क्या होता है इसका कि बड़ा लंबा इश्क हो तो वो सही इश्क होता है कि शॉर्ट लिव्ड और इंटेंस इश्क भी हो जाते हैं मुझे आपने क्या वो आ, मैं समझ रखा है कि मैं आपसे या कोई नुस्खा आप पूछना चाहते हैं अपने अपने वफाए नुस्खाएं वफाए पूछना चाहते हैं तो डिपेंड करता है वैसे तो कभी शॉर्ट लिव्ड कोई ये एडोकिज्म पे तो नहीं चलता <laughs> अच्छा एडोकिज्म <एड़ाकिशी। laughs> नो फर्दर ऑर्डर नहीं ना ना नहीं ना ये नहीं होगा हां हां ये तो फिर खुद ही एक यू फील फॉर समवन और द अदर पार्टी आल्सो इक्वली एगोस पे किसी का ग्राफ ऊपर होता है किसी का कम मिजाज के मुताबिक आप तो, कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आए एक तो मिजाज ही बात है दूसरा ये कि मैं समझता हूं कि जो कुछ मैं कर रहा हूं अपने कलम से वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा तस्किन का बायस है और आ, अंदर जा के ऑफ पावर में या उसमें या अपोजिशन में शायद मैं वो रोल अदा न कर सकूं जब कोई आपके, मैं पढ़ रहा था कि आपकी जो पोइट्री है वो ट्रांसलेट हुई इंग्लिश रशियन चाइनीज़ मैसेडोनियन स्वीडिश डच हिंदी फ्रेंच एक्सेट्रा कितना इम्पैक्ट ट्रांसलेशन में कितना कम होता है हाँ ये बहुत अच्छी बात है जो ज़माने हम नहीं जानते उनके बारे में तो नहीं कह सकता बल्कि एक जगह तो अहमद्राल लिखे होता मैं पापा पढ़ रहा था वो उसके <laughs> स्पेलिंग ऐसे थे कि <laughs> तो बहरहाल जब स्वीडन में मुझे बुलाया गया ये स्वीडिश में हुई मेरी किताब ट्रांसलेट और किताब छपी तो उन्होंने उनका जो नाम था उसका मतलब आदम आज आजमत आदम था आ, तो वहाँ मैंने यही कहा था कि ट्रांसलेशन में एक ये इट्स लाइक ए फ्यूनल कार्ड यू ट्रांसपोर्ट द बॉडी एंड लीव द सोल बिहाइंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोइट्री जो हमारे ज़्यादातर मकबूल तरीन सिर्फ गज़ल ही है उसको करना चाहते हैं दूसरों तक पहुँचाने के लिए तो मुसलसल गज़ल लिखें जिसका जिसका एक इम्पेक्ट पड़ता है फिर उसको ट्रांसलेटर को भी आसानी होती है और वो टोटल एक ही फैक्ट उसका होता है जैसे नर्म का होता है ये मुशारे जो हम करते हैं हाँ। और जो कम होते हैं मुझे लगता है इसका क्या रोल है डेवलपमेंट ऑफ अदब में और शायरी की डेवलपमेंट में असल में एक तो ये हमारा तहजीबी इवेंट है जो कहीं दुनिया में और जगह नहीं है और दूसरी बात इसकी हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ तीसरे दिन मार्शाला लग जाता है और सेंसरशिप और मीडिया कंट्रोल कंट्रोल मीडिया जो है ये है इससे एक ही रास्ता रह जाता है पब्लिक कॉन्टेक्ट का और लिखने वालों का या शायरों का कि वो मुशायरे में पार्टिसिपेट करें एक तो नॉट दैट इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट नो वे वो भी है, है कल्चर का एक उसमें फ्लेवर है हमारे लेकिन दूसरा ये कि आप देखें कि हमारी आ, पूरी तहजीबी जिंदगी में और सियासी जिंदगी में भी कि दस घंटे आप तकरीर कर रहे हैं तो कोई टस से मस नहीं होता और ऑडियंस बैठी हुई है एक शेर बीच में पढ़ते बिल्कुल जैसे रीजनरेट हो जाती जाते बिल्कुल ठीक राइट मैं कि इवन पोलिटिकल ऑडिटरिंग बिल्कुल शायद हाँ वही है और हमारे सारे कलाम अब्दुल कलाम आज़ाद से लेकर अतौला शाह शाहबुखारी तक ये बड़े बड़े जो ऑडिटर थे ये शेर बगैर इनका गुजारा नहीं होता था अब अब लोग शोर ज्यादा मचाते हैं कि वो ऐसे लोग हैं मुझे मुझे इम्प्रेशन ये है कि लोगों में तहमल जो है वो कम हो गया वो है ही नहीं हमारी कॉम का सबसे बड़ा मसला जो है वो तहमल पेशेंस है उसकी वजह ये है कि तालीम ही नहीं है तो डिसिप्लिन क्या जब आपने कहा क्या जहालत है बड़ी ज्यादा शायर क्या रोल प्ले करता है फिर इस जहात में आप जैसा आदमी जो इनकलाब शायरी भी करता है प्रोटेस्ट की शायरी भी करता है लड़ता भी है टक्कर भी मारता है आप किस को रीच करते हैं वो भाई अपने आप को लहू करना होता <laughs> है तो कोई नहीं होता दीवार बड़ी पक्की है दीवार नहीं बस अपने माथे पे दाग सजा के आ जाते हैं यही कर सकते ना मैं कहता हूँ सिर्फ आप एक एफ सिक्सटीन के पैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री को या एजुकेशन के आधार जो है उनको दे दें कि इनको सफ करना तो मैं आपको सच कहता हूँ कि दो साल में आपकी लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ जाएगा लेकिन हमारी हमारी प्रायोरिटीज और बनाई हुई हैं बनाती है और एजुकेशन no. के बगैर कोई कॉम ने no. कोई no. नहीं की है तो कुछ ही नहीं आता तो डिसिप्लिन कहाँ से आएगा आपने रिसेंट एक मुसलसल गैरत जी हजार साल में ऐसी चीज नहीं लिखी आ, गई है बट आई बिलीव इट इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल डॉक्टर नेवरल जो लिखी है तो, तो अब वो सुनाएंगे एक कोई मुसलसल गजल है सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं वाह सोस उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं बहुत अच्छे हाँ। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से सो अपने आप को बर्बाद करके देखें वाह वाह हां सुना है दर्द की गाहक के चश्मे नाजुस की सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते, देखते हैं है। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शकफ सो हम भी मोईजे अपने हुनर के देखते हैं। बहुत अच्छा। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं ये बात है तो चलो बात करके देखते सुनी अच्छा सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं सुना है रात उसे चांद तखता रहता है सितारे में फलक से उतर के देखते हैं सुना है दिन को उसे तितलियाँ सताती हैं सुना है दिन को उसे तितलियाँ सताती हैं सुना है रात को जुगनू गुजर के देखते हैं सुना है हश हैं उसकी गजाल सी आँखें सुना है हश हैं उसकी गज़ाल सी आँखें सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं सुना है रात से बढ़ कर हैं काकुलें उसकी उसे करीब से साए गुजर के देख सुना है उसकी स्याह चश्मे की क्यामत है सो उसको सुरमा फरोश आह भर के सुना है उसकी स्वाह चश्मे की क्यामत है, है सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं सो हम बाहर पे इल्जाम धर के अच्छा सुना है आईना तमसाल है जबी उसकी ये शेर आप पे भी आ सकता है अच्छा सुना है आईना तमसील है आईना तमसाल है जबी उसकी जो सादा दिल है उसे सवर के देखते हैं ये जी सुना है आईना तमसाल है जबी उसकी जो सादा दिल है उसे बन सवर के देखते हैं सुना है चाल पे उसके चकोर आशिक है पलंग जावी है उसकी कमर के देखते हैं सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाए कतर के देख वो सर्व कद है मगर बेगुले मुराद नहीं वो सर्व कद है मगर बेगुले मुराद नहीं किस शजर पे शगुफ़े समर के देखते हैं बस एक निगाह में लुटता है काफिला दिल का सुरह रवाने तमन्ना भी डर के देखते हैं सुना है उसके शबिस्तान से मुतसिल है बहिश्त सुना है उसके शबिस्तान से मुतसिल है बहिश्त मकी उधर के भी जलवे इधर के <laughs> देखते, देखते हैं है, बहुत अच्छे हाँ। रुके तो गर्दशें उसका तवाफ करती हैं रुके तो गर्दशें उसका तवाफ करती हैं चले तो उसको ज़माने ठहर के देखते हैं किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे कभी कभी इधर दीवार घर के देखते हैं कहानियां ही सही सब मुबालगे ही सही अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं